थ्री। वेलकम बैक टू द आवर न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी है ना पुलिया को खा रहा हूँ भाई, तो बढ़िया यहाँ का बिस्तर बाहर चुके हैं क्या है कि भाई साहब विकास ने फिर से देखा कर रहा है। ए मत कर, दो सीन बना रही है खुद का। देखो दो इतने बड़े हैं, देखो कोई ना जल्दी से खाना खाते हैं, निकलते हैं दुकान के लिए। ये है ना पहले है ना रेडीमेड आता है यार, आपको भी पता होगा पैकेट फुलियागर का, तो नॉर्मल जो उबले हुए चावल है उसके साथ मसाले को मिक्स करना है। काफी बढ़िया। इस तरफ कुछ फंक्शन है भाई यार, पर मैं साइकिल नहीं छोड़ सकता, यहाँ से पूरा बंद है ठीक है, तो वहाँ पे नहीं जा सकता मैं यार, छोट यार, क्योंकि अब साइकिल को ताला नहीं है ना, तो यार लेके भी जा सकता नहीं, पूरा रास्ता ही बंद है, यहाँ से खुला लग रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग रंगोली बने हैं, तो मैं साइकिल लेके आ गया भाई, गली मिली उसमें से निकल के आ गया। लेकिन यहाँ पे मेला टाइप का लगा है भाई, आगे तो खतरनाक है, कितनी बढ़िया रंगोली है ना। पे भी काफी सारा जगह मेला लगा है यार, अंगूठिया वगैरह देखो आ गया यार, लिया गया डेकोरेशन के लिए करके लिए, यहाँ पे चूड़िया वो हमारा काम का नहीं है। वाओ ओहो आ यार मजा आ गया, अच्छा हुआ यहाँ पे आ गया भैया, और के पब्लिक तो काफी आई है, क्या बोलती पब्लिक, बैंगलोर की पब्लिक। मैं ना दुकान आया हूँ, तो बच्चों का देखो भाई ऐसे नीचे बैठ के क्या देख रहे हो? टीवी आ गया। टीवी आ गया, क्या बात कर रहा है, लगा दिया जाके आ गया घर पे, हाँ 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में लगाई, सही बात बोली, मेरे को मासी ने अभी बताया था। अभी ना घर पे जाके हम भी देखे कि भाई टीवी किस टाइप की है भाई, तो फर्स्ट टाइम भाई यार, तो कल है ना इंडिया इंग्लैंड का मैच है, तो मैं तो नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मैं रहूंगा दुकान पर, शायद संडे का है ना फाइनल होगा, तो काश इंडिया है ना फाइनल में पहुंच जाए, पाकिस्तान तो आज पहुंच गया, न्यूजीलैंड को काफी खतरनाक तरीके से हरा कर। टीवी की जिद पे अड़ गया था कि है ना मेरे को भेलपुरी खानी है, भेलपुरी खानी है, उसकी टीवी की लाया ना इसलिए, तो अभी यहाँ पे भेलपुरी लेने के लिए आया है, भेलपुरी बेल 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 बेल। मैं सिटी में ना सिर्फ देना 10 रुपए की है ना बेल मिलती थी, अभी 30 रुपए की हो गई भाई, महंगाई का जमाना भाई, बाबू भैया महंगाई का जमाना। 1, 2, 3। ओ भाई कॉफी बड़ी है यार, गजब। ओहो हो हो, चलो यार बूट खोल के चलते अंदर, स्टार्ट कर भाई स्टार्ट कर। ओहो भाई रिमोट भी लंबा गजब है यार, इतना लंबा रिमोट है, मेरे हाथ से भी लगा था लंबा, तो ये स्टेबलाइजर लगा हुआ है, ये क्या हुआ भाई, विक्की को पता है क्या फंक्शन, अभी क्या बात कर रहा है, यूट्यूब है, तो कल देखेंगे यूट्यूब तो ठीक है, तो ओ भाई ये कौन सी कहानियां है भाई, ओ भाई गजब 4K क्वालिटी है भाई, पूरी खतरनाक, मजा आ गया यार, कितनी बड़ी है यार टीवी भी, यूट्यूब छोड़ कर देखेंगे, तो तू अपने टीवी लगा, ये इतना बड़ा बॉक्स है यार, और क्या है अंदर, ये क्या है अभी, अच्छा ये दीवार पे क्या होगा भाई,
अच्छा वो नीचे वाला है, वो रख के नीचे स्टैंड पे लगाते हैं ना, वो वाला 43 इंचेस की है भाई। तो ये हमने ना पहले 32 का सोचा, फिर मौसाजन बोला 42 का ही लेते हैं, सॉरी 43 की। काफी बढ़िया। मैं मैंने एक ड्राइंग बुक लेके आ चुका हूँ, तो एक ये ड्राइंग बुक और निकल जा, ये दो चीज और लेके आया हूँ। तो ये 0.5 है, ठीक है, साथ में लीड मिल गई। और ये है 12B की, जो सबसे ज्यादा डार्क होती है ना वो वाली है 12B की पेंसिल। ए बहुत कमजोर होती है अंदर से, तेरे को पता नहीं, ये ना बहुत सॉफ्ट होती है, अगर जब थोड़ी सी भी अगर गलती हुई ना शार्प करने में पेंसिल की नोक टूट जाती है, इतनी सॉफ्ट होती है। तो प्लीज आप में से भी अगर कोई ड्राइंग ट्राई करे ना, तो यह चीज का ध्यान रखना, जितना ना बी ग्रेड बढ़ेगा ना तो इतनी वो पेंसिल सॉफ्ट होती जाएगी, और जितना एच ग्रेड बढ़ेगा उतनी हार्ड। मैं और विकास खा रहे हैं टेस्टी, लेफ्टी से खाता हूँ, टाइप वाला हूँ। थोड़ा वीडियो एडिटिंग में टाइम लग गया है, तो कोई नहीं, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप का ब्लॉग पसंद आएगा। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।